नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको फैब्रिक का GSM क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आप जब भी टी शर्ट खरीदते हो या फिर आप जब भी फैब्रिक खरीदते हो या फिर लोअर में ट्रैक पैंट वगैरह खरीदते हो, तब आप बोल तो देते हो कि मेरे को कॉटन में टी शर्ट चाहिए, मेरे को PC मैटे में फैब्रिक चाहिए या फिर मेरे को लाइक्रा में ट्रैक पैंट चाहिए। बट उसके साथ साथ और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वो है GSM। तो GSM होता क्या है? अगर आपको सिंपल भाषा में बताया जाए तो GSM होता है कपड़े का वजन, फैब्रिक का वेट। GSM मतलब ग्राम पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर के अंदर कितने ग्राम का फैब्रिक है वो GSM में मेजर करते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे फैब्रिक का काउंट बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे फैब्रिक का डेंसिटी बढ़ता है, वैसे वैसे वो फैब्रिक का GSM भी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे फैब्रिक का GSM बढ़ता जाता है, वैसे वो GSM का प्रोडक्ट रहता है उसका रेट भी बढ़ते जाता है। यानी कि जो कम रेट का प्रोडक्ट रहता है उसका GSM भी कम रहता है, और जिसका GSM ज़्यादा रहता है वो प्रोडक्ट का रेट भी ज़्यादा ही रहता है। अभी शायद आपको लगा रहेगा कि जितना ज़्यादा GSM उतना ही अच्छा फैब्रिक रहता है, पर दोस्तों ये बात सही नहीं है। फैब्रिक का क्वालिटी अलग रहता है और GSM का अलग रहता है। जब GSM भी अच्छा रहता है और फैब्रिक का क्वालिटी भी अच्छा रहता है, तब जाके वो एक सुपीरियर प्रोडक्ट बनता है। तो दोस्तों, GSM क्या होता है इसकी बेसिक आइडिया तो अभी आपको आई रहेगी। इसके साथ साथ अभी जो अपना दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल है, GSM कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर आपको फैब्रिक का GSM कैलकुलेट करना है तो आपको 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करके लेना है। इसको कट करने के लिए GSM फैब्रिक कटर मशीन भी आती है। अगर आप मैन्युअली कट नहीं करना चाहते तो आप वो कटर मशीन के साथ कट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक आइडिया आने के लिए एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आपको 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर रहता है उसका फैब्रिक कट करके लेना है, और उसके बाद वो फैब्रिक का आपको वेट करना है। तो वो फैब्रिक का वेट फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी आ सकता है, जैसे कि 1.11, 1.25, 1.80, ऐसे कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर का फैब्रिक कट किया है उसका वेट है 1.80। तो अभी क्या करना है कि आपने जो भी वेट किया है वो सेंटीमीटर में है, अभी इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपका जो भी वेट का यूनिट आता है उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका वेट है 1.80 तो उसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि उसका आंसर आ जाएगा आपको 180। यानी कि मेरे पास जो अभी फैब्रिक है उसका टोटल GSM हो जाएगा 180 GSM। इसके साथ साथ अगर आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो आपको क्या करना है कि आपको 1 मीटर स्क्वायर का एक कपड़ा कट करके लेना है और उसका जो वेट है वो आपको मेजर करना है, तो वही आपका GSM आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो भी आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ये सब काम की बातें सीख सकें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, उससे मेरे आने वाले हर वीडियो आप देख सकेंगे। तो फाइनली, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।